अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं रियाद के सबसे बड़े मॉल में, जिसका नाम है उसे मॉल, और ये बहुत ही बड़ा है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जिसमें प्ले एरिया है आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा इसमें शॉपिंग्स के लिए भी काफ़ी ब्रांड हैं, जिसमें रेड टैग, सेंटर पॉइंट और H&M, और बहुत सी अच्छी अच्छी मार्केट्स हैं। इसके प्ले एरिया की ख़ास बात यह है कि इसमें बड़े भी बच्चों के साथ बैठकर झूले ले सकते हैं, और छोटे तो वैसे ही लेंगे ऑफ कोर्स, बट काफ़ी मॉल्स में देखा गया है कि उसमें एज लिमिट होती है और उसमें सिर्फ बच्चे ही जो है वो ही इंजॉय कर सकते हैं, बड़े उनके साथ नहीं बैठ सकते। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बच्चे मज़े से झूले ले रहे हैं, और ये टॉप डांसर है इस झूले का नाम, और ये टॉप डांसर जो है ये बहुत ही मज़े का है। और आपको इसके साथ बच्चों मेरे बच्चों के साथ बड़े लोग भी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, और इसमें लेडीज़ भी बैठ सकती हैं, और काफ़ी मज़े के झूले हैं, क्योंकि इनके साथ बड़े बैठते हैं तो बच्चे काफ़ी सिक्योर फील करते हैं। अदरवाइज़ बच्चे तो लेते ही हैं झूले, बट बड़े जो है वो देखते ही रहते हैं, और मैं तो इन झूलों को देखते देखते बस मुझे तो चक्कर आने लग जाते हैं, तो बैठने का तो दूर की बात है। तो बस बच्चे तो काफ़ी फोर्स करते हैं कि मम्मा आप भी बैठे हमारे साथ, लेकिन मुझे तो बस चक्कर आने लगते हैं। ऐसे ही लगता है कि बस पता नहीं क्या हो रहा है, ऊपर की चीज़ें नीचे और नीचे की ऊपर जा रही होती हैं, और बच्चों को तो काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। तो ये दूसरा झूला है, और ये भी बस ऐसे जैसे कि स्पाइडर वेब होती है उसी की तरह से ये बस राउंड में घूमता है। और यहाँ पर कार्ड सिस्टम है, कार्ड में पहले आपको बैलेंस फीड करवाना होता है, और बाकी आप जो भी झूला सिलेक्ट करेंगे उसमें आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस झूले की वो कार्ड से कट ऑफ हो जाएगी, और इस तरह से फिर आप लोग झूला एंजॉय करवा सकते हैं बच्चों को। और ये काफ़ी टॉप पे बना हुआ है प्ले एरिया, और इस पे जो है काफ़ी हाइट है, तो इस पर बहुत ही डेंजरस किस्म के झूले हैं, और जो कि देखने से इंसान को देखने से ही डर फील होता है, जबकि बच्चे तो ज़ाहिर है उनकी एज है और वो लोग तो नहीं डरते, और उनको तो बल्कि बहुत एक्साइटमेंट होती है, और वो कहते हैं कि बस मम्मा और भी लेने और भी लेने झूले। और ये फूड एरिया है, और काफ़ी ही बच्चों को भूख लग रही थी, तो हम लोग जो है वो फूड एरिया की तरफ चल पड़े, और यहाँ पर हम लोगों ने फिर हर्फी का बर्गर लिया। और देख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पर सिटिंग एरिया में तो बिल्कुल बैठने की जगह ही नहीं थी, ऑलरेडी इतना फुल था कि बस फिर हम लोगों ने वहाँ से टेक आउट किया, बर्गर लिया, और हम लोग किसी और जगह में आकर बैठे। और ये आप देख सकते हैं कि ये इतने टॉप पर बनी हुई है, और ये एक किस्म की शिप है, जैसे कि पाकिस्तान में भी आप लोग झूले में देख सकते हैं कि शिप्स वगैरह होती हैं, काफ़ी टॉप तक वो जाती हैं। तो बस ये भी इसी तरह का ही कुछ सीन था कि इसमें भी काफ़ी टॉप पर ये जाती थी, और काफ़ी स्केरी सी थी, बट सेफ्टी का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम होता है, इस वजह से छोटे बच्चे भी इजीली बैठ जाते हैं, और बाकायदा वो लोग चेक भी करते हैं बच्चों को बिठाने के बाद कि कुछ बेल्ट वगैरह लूज़ तो नहीं है, कुछ ओपन तो नहीं है, तो ताकि बच्चों की सेफ्टी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखी जाती है। और इसलिए इस किस्म के झूले पर बैठने से हम भी सेटिस्फाई रहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो सेफली झूले लेकर वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो बस इसी तरह से बस मैं भी दुआएं मांग रही थी, और मैं वीडियो भी बना रही थी, तो बस आप लोग भी देख सकते हैं कि बस अब ये स्टॉप हो गया है, और सभी बच्चे जो हैं वो वापस आ रहे हैं। और इतना ज़्यादा रश था कि बस बच्चों को, बच्चे जो थे, मेरा छोटा बेबी तो अक्सर लॉस्ट हो जाता था, फिर मुझे ढूंढना पड़ता था किस टॉय एरिया में, किस साइड में वो चला गया, तो बस उसके पीछे मैं भाग रही थी। और जो बच्चे थे वो बस कहते थे बस ये वाला झूला भी मम्मा दिला दें, ये भी दिला दें, ये भी दिला दें, और सारे बस जितने भी कार्ड में मनी थे ना वो आस्ते आस्ते ख़त्म ही हो गए थे मेरे। तो बस अभी हम आपको इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं, जो आप देख कर ख़ुद भी हैरान होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये जी हॉरर फिल्म का सीन है जी। तो बस ये एक सिनेमा था, इसी मॉल में सिनेमा भी है,
और जो लोग पसंद करते हैं हॉरर मूवीज़ देखना, वो यहाँ पे बकायदा टिकट्स लेकर अंदर जाते हैं। और ये इन्होंने कुछ थीम ऐसा दिया हुआ था कि काफ़ी गैदरिंग हुई हुई थी इस जगह में और काफ़ी मज़ा आ रहा था इन लोगों को देखकर, इनका गेटअप देखकर। तो बस फिर मेरे बेटे जो थे वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि हाँ मम्मा, ये तो हम लोग मूवीज़ में देखा करते थे, तो यहाँ पे तो रियल परफॉर्मेंस हो रही है। तो बस फिर हमने अच्छा उनकी थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई। और जाने के अंदर टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ लेट हो चुके थे, 10 बज चुकी थी रात के। तो बस इस वजह से हम लोग ने सोचा कि बस काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गई और कार्ड में भी एंड हो गया था, बिल्कुल मनी ख़त्म हो गया था। तो बस फिर वापसी के लिए हम लोग रवाना हुए। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।